खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर शूटआउट मामला है, जिसमें बिल्हौर पहुंची है आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह। शहीद सीओ बिल्हौर थाने इलाके में के वायरल पत्र मामले की जांच के लिए आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह बिल्हौर थाने पहुंची हैं। उन्होंने थाने के कंप्यूटर की जांच की है। लक्ष्मी सिंह ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की है। दरअसल वायरल पत्र को लेकर पुलिस की चूक सामने आने के बाद एडीजी जोन कानपुर को मामले की जांच सौंपी गई है। बाद में ये जिम्मेदारी आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को सौंप दी गई। तो लक्ष्मी सिंह इस वक्त पहुंची हैं और यहां पर बिल्हौर थाने पहुंची हैं और यहां पर पूछताछ कर रही हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को भी उन्होंने देखा है। शहीद देवेंद्र मिश्र की वायरल चिट्ठी की जांच करने आईजी रेंज लखनऊ इस वक्त पहुंची हुई हैं। तो कानपुर शूटआउट पूरा मामला है, जिसमें बिल्हौर पहुंची हैं लक्ष्मी सिंह। तस्वीरें आपके सामने हैं। लक्ष्मी सिंह इस वक्त पहुंची हुई हैं बिल्हौर, जहां पर पूरे मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि शहीद देवेंद्र की जो चिट्ठी यहां पर बाहर आई थी और उसी मसले को लेकर यहां पर अब पूछताछ करने के लिए फिलहाल बिल्हौर पहुंची हैं आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, जहां पर आगे की पूछताछ की जा रही है। शहीद देवेंद्र मिश्र की वायरल चिट्ठी की जांच करने के लिए आईजी रेंज इस वक्त पहुंची हैं बिल्हौर। और कंप्यूटर वहां जो है उसे भी देखा है, जांच की है और जो पुलिसकर्मी थे उनसे भी बातचीत की है। इससे पहले ये भी सामने आ रहा था कि यहां पर और छापेमारी की गई है, जहां पर बम बरामद हुए हैं। तो लगातार बम बरामद हो रहे हैं, क्योंकि छापेमारी लगातार की जा रही है, हर जगह दबिश दी जा रही है। और इस बीच ये जो जांच है वो सौंपी गई है आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को, जिसके बाद वो पहुंची हैं बिल्हौर, जहां पर कई पुलिस वालों से बातचीत की है, पुलिसकर्मियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं, सूत्र बता रहे हैं। और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि जो कंप्यूटर वहां था, जहां से चिट्ठी वायरल होने की बात भी कही जा रही थी, उसे भी यहां पर जांचा है, परखा है। फिलहाल लगातार पूछताछ है पुलिस वालों से। और हालांकि तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जगह दबिश दी जा रही है विकास दुबे को लेकर। और ऐसे में कई जगह छापेमारी की गई है, जहां पर और भी बम बनाने की सामग्री और बम भी बरामद हुए हैं।